शेख अफरोज हमारे शौहर है, हमारे शौहर को बहुत बुरा मारे, छोटे छोटे तीन बच्चे हैं हमारे, उनको बहुत बुरा मार मारे। दोस्ताना के तरीके से ऐसा मारती क्या, जान चले जाती तो कौन देखता है, छोटे छोटे तीन चार बच्चे हैं ना, मार दिए तो कैसा होना। आपका बच्चा क्या काम करता है? हमारा बच्चा रात में ऑटो चलाते हैं, नाइट में खिला के कर दिए। सो है ये दुश्मनी पहले से कुछ है? नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला था? नहीं 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 बोले, कुछ भी नहीं है। कुछ भी होगा तो कौन देखते हैं उनकी बीवी को, उनके छोटे बच्चों को। ये झगड़े से पहले कुछ झगड़ा नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। छत्रीना का पीएस कम्प्लेन दिया, पुलिस वाले भी नहीं आए संगत। छत्रीना का पीएस में भी कम्प्लेन दी है, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं आए अब तक, नहीं आए अभी तक भी नहीं आए। पुलिस वाले क्या बोले आपको छत्रीना का? कहे तो जाओ यहाँ भेज दिया ना, खाली कम्प्लेन दे के आयुष नहीं कौन भी संगत। ट्रीटमेंट कराने भी? हाँ ट्रीटमेंट कराने भी। बच्चे की हालत कैसी है अभी? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। नाम क्या है उनका? शेख अफरोज है। उनकी उम्र क्या रहती? 24 साल है अफरोज की। तो बच्चे कितने बोले? तीन बेटे हैं उनको, उनकी बीवी है ये, मैं उनकी बहन हूँ। बहन है उनके? हाँ भाई, ये ललिताबाग बीच चौरस्ते पे एक जने का मर्डर ऐसा हो गया है कि मेरे भाई का एक क्या नाम है उसका बॉस मकबर छत्रीना का पीएस का, उन्हें चाकू से कत्ल कर दिया मेरे भाई का, जरा यहाँ से इतना फाड़ दिया। और सोहेल भी हम लोग को मारा, बहुत मारा उन्हें। और एक जना बोले तो गौस मकबर बोले तो जाके हमारे भाई को मार दिया। नाम क्या आपके भाई का? शेख अफरोज। तो कहाँ पे हुआ भाई? ये देखो ललिताबाग जो चौरस्ता है झंडे के पास जो ब्रिज है ना, वहाँ पर हुआ। कितने लोग मिल के मारे? दो जने। और ये रूम पे भी पहले हुआ था, थोड़ी देर पहले, एक हिजड़े के रूम पे। नाम क्या है इसका, किन्नर का? वो किन्नर का नाम मूसा। तो उसके घर पे कहीं रुके थे ना? वो पिला खिला के करे सो ये तो गौस और सोहेल भी वहीं थे। हाँ वहीं थे, झगड़ा वहीं हुआ। वहीं झगड़ा हुआ, उसके बाद बाहर निकल के इन लोग दोनों सोहेल गौस बाहर गए थे। उसके बाद चाकुआ ले लेके आए थे हम लोग को, दोनों को, मेरे को और जो सोनू बोल के बच्चा उसको रुका के दोनों को सोहेल मारा। और उन्हें बोले तो चाकू निकाल के गौस मकबर हमारे भाई को मारा। अफरोज वजह क्या है मारने की? वो कुछ भी नहीं भाई, वो सोहेल भाई चढ़ाए तो है और कुछ भी नहीं। इससे पहले हुआ था झगड़ा? बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, मेरे भाई को अभी गौस बोल के नाम है उसका, ललिताबाग ब्रिज का ने मारा थे अभी बोल के मेरे को मालूम हुआ। मैं आया यहाँ उस्मानिया दवाखाने में हूँ, मेरे भाई को चाकू से मारे, दो जनों हुए थे छत्तीसगढ़ का पीएस में कम्प्लेन भी कराए, दो जनों मिल के मारे थे, एक का नाम गौस है एक का नाम सोहेल है। मेरे भाई को मारे थे बहुत चाकुओं से मारे, पीठ पे हाथ पे। इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था? इससे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये गौस की फोटो है देखो, महाराष्ट्र वाले की फोटो है गौस की। झगड़े की वजह नहीं मालूम? झगड़े की वजह मेरे को नहीं मालूम भाई, कुछ उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। ये मकबरे थे भवानी नगर पीएस का मकबरे थे गौस। क्या टाइम पे हुआ भाई ये? कुछ तीन बजे का टाइम पे हुआ, दो तीन बजे का टाइम। रात के तीन बजे? रात के तीन बजे हुआ। घर कहाँ है अफरोज का? अफरोज का घर यहाँ सलाला में। रात में तीन बजे इधर क्या कर रहे थे? उन्होंने तीन बजे इनके साथ पिए खाए, उन लोगों पीले खा लेके वहाँ ले जाके मारे। मारने की कुछ वजह? वजह कुछ भी नहीं। कितने लोग मिल के मारे? दो जनों। इन लोगों को पहचान दे आपके भाई? पहचान। नाम क्या है बोले? उसका नाम गौस है, इसका नाम सोहेल है। हाँ वो सोहेल है, पहचानत का हमारा सोहेल लेके गया। पुलिस वाले भी नहीं आए कंप्लेन करे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अपना पीएस में कंप्लेन करे? कौन से पीएस में करे? छत्रीना का। अभी तक कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया अब तक। अभी हालत कैसी है उनकी? अभी हालत तो नाजुक है पूरा, देखो फोन में। हाँ